जावेद आलम खान जी। और आप कहाँ से? और मैं एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज एंड एडवोकेसी, मैं वहाँ एडवाइज़र हूँ। सर, ये इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव स्टडी जो है, 3 दिन का सेमिनार है, इससे क्या लोगों को फ़ायदा मिलेगा, इसका क्या तात्पर्य है? इसका मकसद ये है कि जो मौजूदा हालात हैं जी, मौजूदा हालात में जो गवर्नमेंट के डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हों या इक्वलिटी बराबरी की हों या सोशल जस्टिस की हों, उसको उस पर बहस किया जाए जी। और ये देखने की कोशिश की जाए कि मुल्क हमारा कहाँ खड़ा है जी। और हम इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कैसे जो गैर बराबरी है या जो इकोनॉमिक इनजस्टिस है उसको दूर कर पाएँ। आलम जी, आप रिसर्च कर रहे हैं, अभी जैसे बजट आया है एजुकेशन का, उसमें 70-30 का रेशो है कि 70% वो गवर्नमेंट देगा और 30% जो है यूनिवर्सिटी देगा, तो यूनिवर्सिटी जैसे आप जैसे लोग जो हैं वो क्यों अपनी जेब से देंगे? जो आज एजुकेशन का जो इस तरह है, जो एक गरीब बच्चा है वो कैसे पढ़ेगा? 30 का मतलब ये कि जो बच्चा 6,000 फीस दे रहा है, आज वो 70,000 या 45,000 कैसे देगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको ये कहूँ कि जो इस वक्त, मतलब आप एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो हमारे यहाँ जैसे एजुकेशन में एलिमेंट्री एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है। तो अभी इस वक्त सबसे जो बुरी हालत है वो हायर एजुकेशन की है। हायर एजुकेशन पे गवर्नमेंट ने अपना इन्वेस्टमेंट दिन ब दिन गिराया है, घटाया है, और ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट एजुकेशन का होना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ GDP वो भी गिरता जा रहा है। जैसे कि इस मुल्क के लिए कम से कम, जो कि कोठारी कमीशन ने 1967 में ये कहा था कि 6% ऑफ GDP होना चाहिए, इस वक्त जो हमारा टोटल मतलब GDP है इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, वो सिर्फ और सिर्फ 3.6% है। उसमें भी जो हायर एजुकेशन है, वो हायर एजुकेशन का एक्सपेंडिचर घटता जा रहा है, और गवर्नमेंट की पूरी कोशिश ये है कि हायर एजुकेशन को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। इस जो आपने सवाल उठाया कि गरीब बच्चों का क्या होगा, तो आने वाले दिनों में जैसे हम बात कर रहे हैं कि हम यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन देंगे, और आने वाले दिनों में हम अगर बच्चों को देखें तो वो जाके हायर एजुकेशन में जाएं, हालात मुझे लगता है कि अब बिल्कुल उल्टे हो रहे हैं कि गरीब तबके के लोग हायर एजुकेशन में नहीं जा पाएंगे। और ख़ुद इकोनॉमिक सर्वे का अगर आप डेटा देखें तो इकोनॉमिक सर्वे ने ये दिखाने की कोशिश की है कि हमारे यहाँ मतलब पर बिलियन रिसर्च स्कॉलर कितने हैं। तो हिंदुस्तान को अगर आप देखें, चाइना से कंपेयर करें और US से कंपेयर करें, हम कहीं भी उनके आसपास भी नहीं खड़े हैं। तो हमारे यहाँ PhD या MPhil करने वाले स्टूडेंट्स की दिन ब दिन तादाद घटती जा रही है, और किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत अहम चीज़ है। अगर उसमें लोग नहीं आएंगे तो मुल्क आगे तरक्की नहीं कर पाएगा। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो कोशिश करनी चाहिए सरकार को, एक तो ये कि एजुकेशन पे ख़ास तौर से और हायर एजुकेशन पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, और जो प्राइवेटाइजेशन है वो गवर्नमेंट करे वो अलग चीज़ है, लेकिन जो पब्लिकली रन इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो इस तरह की कंडीशनलिटीज़ हैं कि जो है इंस्टीट्यूशन खुद रेज करें फ़ी बढ़ा के और इस तरह से करके, वो बहुत ज़्यादा आने वाले दिनों में जो गरीब तबका है या इवन जो गरीब तबका नहीं भी है उनके लिए भी परेशानी होगी। जैसे मैं आपको बताऊं कि JNU में एक सेमेस्टर में अगर मैं डे स्कॉलर हूँ तो मुझे 200 रुपये से कम जो है वो मतलब फ़ीस देनी पड़ती है, लेकिन अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाता है तो उसको कई 1,000 रुपये देना पड़ेगा एक सेमेस्टर के लिए। तो जाहिर सी बात है वो PhD क्यों करेगा? तो गवर्नमेंट तो एक हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि वो चाहती ही नहीं है कि लोग हायर एजुकेशन में जाएं जहाँ पे वो अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर सकें। सर, जो PhD कर रहे हैं या जो MPhil कर रहे हैं या जो मतलब कर चुके हैं, हाँ, उनको साल में शायद 2 या 3 इंक्रीमेंट वगैरह देते थे, अब उस पर भी मतलब शायद उनको नहीं दे रहे हैं। हाँ, अभी देखिए क्या है ना कि ओवरऑल जो मतलब हायर एजुकेशन में वैकेंसीज हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है। हायर एजुकेशन में वैकेंसीज़ अगर आप चाहें डिग्री कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में तो बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट किसी तरह से ये कोशिश कर रही है कि चूँकि जो इन्वेस्टमेंट है ना, पब्लिक इन्वेस्टमेंट है ऑन हायर एजुकेशन है, उसको कट कर रही है, तो इस तरह की पॉलिसीज़ ला रही है ताकि खर्चा और भी कट किया जाए। इंक्रीमेंट अगर वो कम देंगे तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट का खर्चा कम होगा। मतलब सब ये मानना है कि जो रोजी रोटी और स्वास्थ्य के लिए जो लड़ते रहे उनको लड़ाते रहो, अगर इनका पेट भर जाएगा तो ये अपनी मांगों को रखेंगे। नहीं देखिए, मेरा मानना ये है कि इंडिया जो है वो अगर आज़ादी के बाद आप देखें तो इंडिया ने बहुत अच्छे थिंकर, बहुत अच्छे राइटर्स, बहुत अच्छे एकेडमिशन पैदा किए हैं जिन्होंने जाके बाहर मुल्कों में भी सर्व किया और इंडिया को भी सर्व किया है। तो मेरा मानना यह है कि हमारे यहाँ
अगर हायर एजुकेशन में हम लोग पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाएंगे तो अच्छे रिसर्च स्कॉलर, अच्छे क्रिटिकल थिंकर, अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे इकोनॉमिस्ट नहीं पैदा कर पाएंगे। तो हमें इस बात की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट इस हायर एजुकेशन को नेगलेक्ट ना करे और प्राइवेट सेक्टर के हाथों में ना दे, इसलिए कि प्राइवेट सेक्टर का पूरा जो मतलब फोकस होता है वो कमर्शियलाइजेशन होता है। सर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम भारत को स्किल इंडिया बनाएंगे, डिजिटल इंडिया बनाएंगे, और जो हमारे यहाँ के प्रोफेसर्स हैं या स्टूडेंट हैं, जब रिसर्च ही नहीं करेंगे किसी बात के लिए तो वो किस तरीके के डिजिटल इंडिया बनेगा? हाँ, एग्जैक्टली, आप सही कह रहे हैं। देखिए, डिजिटल तो एक मीडियम है, इन्फॉर्मेशन तो आपको थिंकिंग और रिसर्च और इन सारी चीज़ों से जनरेट करना है। तो जाहिर सी बात है, अगर उस सेगमेंट को नेगलेक्ट करेंगे तो आप इन्फॉर्मेशन कहाँ देंगे भाई? कोई आप वैक्यूम में तो मतलब वो नहीं करेंगे ना कि वो आपका डिजिटल और सारा जो प्रोसेस है टेक्नोलॉजी का वो काम करेगा। तो सबसे अहम ज़रूरत वही है कि यूनिवर्सिटीज़ में भर्ती की जाए, जो भी वैकेंसीज़ हैं उसको फिल किया जाए, स्कॉलरशिप्स को टाइमली दिया जाए। बहुत सारे स्कीम्स में स्कॉलरशिप बच्चों को नहीं मिल पा रही है। एससी एसटी स्कॉलरशिप का इशू है, माइनॉरिटीज़ की स्कॉलरशिप का इशू है कि 2016-17 में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप माइनॉरिटीज़ का 950 करोड़ एलोकेट किया गया था और वो जो है 2016 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिस्बर्स किया वो 369 है। तो जाहिर सी बात है, आपने 1/3 घटा के स्कॉलरशिप डिस्बर्स किया, कितने ऐसे माइनॉरिटी स्टूडेंट रहेंगे जिनको स्कॉलरशिप मिली नहीं, जबकि बहुत मिनिमम है, 1000 रुपये स्कॉलरशिप दिया जाता है एक प्री मैट्रिक में एक साल के लिए, 100 रुपये से भी मतलब कम आएगा मंथली। तो वही चीज़ है कि स्कॉलरशिप्स को रेगुलर किया जाए और एजुकेशन का जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाया जाए, सबसे अहम ज़रूरत इस टाइम यही है। क्या अपील करना चाहते हैं जो स्टूडेंट से आप लोग? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि जो एजुकेशन और हेल्थ है ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इंडिया बीइंग ए वेलफेयर स्टेट उसको इन दोनों मुद्दों पर जैसे अदर यूरोपियन या बड़ी इकोनॉमीज पूरी तौर से सपोर्ट करती हैं एजुकेशन और हेल्थ को, इंडियन गवर्नमेंट भी उसको करे, अदरवाइज गवर्नमेंट की फिर ज़रूरत नहीं। थैंक यू सर।